हाय, मेरा नाम है ओम और आज मैं ले रहा हूँ एक हॉस्पिटल में एंट्री। आपने आज तक हॉस्पिटल में एंट्री तो ली होगी बट गेट से, बट एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आने के लिए ऐसे दीवार फाड़ के आना पड़ता है और जो भी रात को यहाँ पे आया है कहते हैं कि वापस कभी नहीं गया, बट हम फिर भी इस हॉस्पिटल में आए हैं देखने। कहते हैं, मैं बताऊँ थोड़ा सा, पहले के टाइम पर जब TV बहुत फैला था तो TV के जो हॉस्पिटल थे वो ना गांव से काफ़ी दूर बनाए जाते थे। ये पूरा हॉस्पिटल बनाया गया एक कब्रिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की स्टोरी आपको बताता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से ये हॉस्पिटल स्टार्ट होता है, यहाँ से काफ़ी दूर तक होता क्या था, जो TV के हॉस्पिटल पहले हुआ करते थे, कहते थे कि जैसे लोगों के मन में था कि छुआछूत से हो जाते हैं, फिर जैसे इस टाइम वो अभी ये कोरोना फैला हुआ था तो लोगों को लगता कोरोना तो चलो फिर भी था कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाया करता था, तो ऐसा भी आते ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। बट लेट मी मैं एक बार स्टोरी बता दूँ। तो यहाँ पे क्या था कि TV जैसे कोरोना होता है कि कोरोना तो एक जैसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हो जाता है, वैसे पहले लोगों का मानना था कि जैसे टीवी में का हॉस्पिटल कुछ आवाज़ें थोड़ा सा चलते हैं, टीवी का हॉस्पिटल जो है वो गांव से दूर होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल गांव से काफ़ी दूर एक शमशान कब्रिस्तान इतना जब डर लग जाता है ना तो कब्रिस्तान शमशान घाट जो निकल रहा है ना, प्लीज़ मैं एडजस्ट कर लो, डर लग रहा है आते ही कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे और इसको कब्रिस्तान कब्रिस्तान पड़ी है। गलती अब आपने सुधार लिया, भूत ने पकड़ लिया ना तो सब सुधार देगा। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि गांव से काफ़ी दूर बनाया गया था इसको, तो ये जो लोग यहाँ पे मतलब जो नहीं भी मरने वाले थे ठीक होने वाले थे उन लोगों के भी यहाँ पे मतलब वो लोग भी मर जाया करते थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि बहुत लोग के मतलब जो ठीक होने की कगार पे आके भी जो लोग मर जाया करते थे, तो इस हॉस्पिटल को यहाँ पे मतलब लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जो मतलब यहाँ पे लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहती, और इसके वजह से पूरा हॉस्पिटल पूरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बंद कर दिया गया था। और आज भी कहते हैं कि यहाँ पे रात को साए देखे जाते हैं, भूत देखे जाते हैं, चुड़ैल और कई सारी आत्माएं यहाँ पे रात को देखी जाती है। और जब से मैं आए हैं इस गेट के पीछे मुझे लग रहा है कोई है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, सामने 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 कुछ वाइट वाइट है। हाँ अरे बिल्कुल इधर आ रहा, गेट खोल के देखो सर। देखो क्या प्रियंक आए, हमें 2-4 मिनट में बड़ी सारी हरकतें हो रही हैं। वह चल के उसके अंदर देखते हैं। अच्छा मुझे समझ में आ रहा कि ये हॉस्पिटल कैसे बनाए गए हैं। भाई अंदर कोई है, खिड़की उड़ गया है, अंदर कोई है, खिड़की है पर काफी ऊपर है, बहुत दिखे गेट
गेट बंद है। कौन था? गेट कैसे बंद हुआ था? ओए ओए ओए, गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया, गेट गेट बंद हो गया। भाई भाई भाई, खुल गया, खोल के रख। एक रूम है छोटा सा। ओए भाई भाई, उधर से उधर से उधर से इसका गेट बंद हुआ था। भाई थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। यार ये बड़ा अजीब सा हो गया यार। मैं नहीं आ रहा। अरे आ रहे यार, यार तू यहाँ खड़ा, मैं देखता हूँ तू यहाँ खड़ा। नहीं खुल रहा। ये पीछे कर लिया क्या? उधर 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 उधर। भाई भाई, गेट बंद हो गया। भाई भाई गेट नहीं खुल रहा। कोई ऐसी एनर्जी है जो ओ भाई भाई भाई, सुन 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 सुन। अरे मैं
भाई हम जस्ट थोड़ा सा गुस्सा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ अंदर नहीं जाऊंगा। अबे थोड़ा सा कैसे अजीब सा निकल पता नहीं यार कैसी एनर्जी यार। पर यार बहुत अभी सिर्फ थोड़ा सा घुसे हैं। थोड़ा पीछे कर, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पीछे कर, अगर आपको दिख रहा हो तो गेट वो रहा, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है। हम गेट से छलांग, वो दीवार से हम पार करके धर आए क्योंकि हर तरफ बाउंड्री है और ये काफी ही बड़ा हॉस्पिटल है। भाई आगे मज्जा, सुन सुन ये क्या है? खंबा यार, मैं देख के डर गया कि वाइट वाइट क्या है। ये क्या है? खंबा है। नहीं ये किधर, ये क्या बना है ये सामने? अरे वो वही सेम। अंदर से आ रही है। भाई कोई साया चल रहा है। पता नहीं क्या चीज है। पीछो पीछो पीछो। अरे भाई इधर लाइट इधर लाइट इधर लाइट इधर लाइट खिड़की है क्या? खिड़की बंद। ओए देख धुआं ही धुआं। यार यहाँ पे धुआं ही धुआं क्यों है? ओए ऊपर 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 से ओए वो इधर से आ रही है बस। अरे वहां जा रहे रास्ते इधर से आ रही है बस। देख 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 इधर से ही आ रही है। एक मिनट रुक भाई, बाहर हो जा भाई, बाहर चल भाई, भाई भाई बाहर चल, बाहर चल। थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ी का है। सीढ़ी कहां से? कोई सीढ़ी नहीं है यहाँ ऊपर जाने। यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है। ओम से आ रही है। ओए 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 यार ये हॉस्पिटल था लाइक ब्रांच होने टाइम पे मुझे जाते लगता है डॉक्टर वॉक्टर इधर बैठते होंगे, इधर वो सब लोग बैठते होंगे लाइक नंबर में लगता होगा या नर्सें होंगी, डॉक्टर का ये कैबिन होगा।
डॉक्टर कैबिन जो भी होता है यार, डॉक्टर में बैठते होंगे, ये डॉक्टर का हॉल, डॉक्टर वो जहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ी देर, ठीक, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते होंगे इस तरफ आदमी, फिर थोड़ा पीछे, बट इसमें ऐसा कोई सीढ़ी वीढ़ी टाइप या जो जीने है वो नहीं दिख रहा है, बट है बड़ा अजीब है, कौन है यहाँ पे? तू इतना क्यों डर रहा है? भाई ये देख, ये डरने की बात है, भाई मैं बच गया, भाई भाई। मैं बच गया, मैं उधर ही खड़ा था, मैं उधर ही खड़ा था, मैं बच गया बिल्कुल। ओए ओए भाई, तेरे को तो लगी ना? नहीं भाई मैं बच गया, निकलते हैं भाई। ओए और ये ना बहुत खतरनाक जगह लग रही है सच में, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो हमें कांटा फंस गया, कहाँ 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 यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो ना यहाँ पे आने वाले लोगों को ना बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, ना ही उनसे बात करना चाहती है, तो हम यार यहाँ पे अंदर गए, फर्स्ट सेकंड में चल ठीक था, बट जो थर्ड था आगे 4, 6, 7 पैसे बहुत है, लेकिन थर्ड के बाद हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम आगे जाएँ, तो यार मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम वीडियो यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि यार ऊपर से अगर कुछ गिर जाता प्रियंक के, तो प्रियंक इतना बड़ा जो गिरा है ना उसके तो मतलब यार अगर वो गिरता सर पे तो बचने की तो उम्मीद ही नहीं है, तो फिलहाल ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते सकते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।